हाँ इंडिया मार्ट, इंडिया मार्ट मुझे डेली चार्ट में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पूरा टेक्निकल सेटअप, इट्स एवरीथिंग ऑन द बुलिश साइड, और यहाँ से तो शुरुआत हो रही है। इसमें भी मैं आपको फ्यूचर प्राइस बता रही हूँ, अभी 4585 है, और 4595 के ऊपर क्रॉस हो जाने के बाद वो बढ़िया मूव दिखाएगा, और मुझे उसमें 4700 तक की जगह, 4700 और ऊपर में 4800 तक की जगह खुलती दिख रही है। वीकली चार्ट इज ऑल्सो गुड, मंथली चार्ट ऑल्सो, यहाँ पे शुरुआत हो रही है, और अगर वो 4800 के ऊपर टिकता भी है तो डेफिनेटली वी कैन सी द लेवल ऑफ 5100। सो ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है और बहुत जल्दी आ जाएगा, ये जो भी रेंज में बता रहे हो वो बहुत जल्दी अचीव हो जाएगी, और इसके लिए मुझे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 4400 का, और यहाँ से ऊपर की बहुत अच्छी रेंज खुलती दिख रही है। जी डेफिनेटली, और जल्दी इसलिए भी आ जाएगा क्योंकि जब ये चलता है तो तेजी के साथ में ही चलता है, तो इसकी स्पीड, इसकी वोलेटिलिटी अच्छी खासी रहती है, और वो स्पाइक सब वो आपको उसके चार्ट में भी दिख जाएगी। तो उसी हिसाब से मीता जी कह रही हैं कि अगर ये फिर से चलेगा, जो कि चल रहा है, कहीं ना कहीं सिग्नल्स, ग्रीन शूट्स तो दिख ही रहे हैं आपको सामने, आपके स्क्रीन पे, आपके चार्ट्स पे, और उस लिहाज से एक बढ़िया स्ट्रेटेजी, एक बढ़िया मौका निकल रहा है इंडिया मार्ट में भी। करना क्या है, कैसे करना है, वो सारी चीजें, लेवल्स, अमिता जी बस एक बार रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा से, लेवल्स और टारगेट्स और टाइम फ्रेम सारी चीजें एक बार फिर से बता दीजिए, रिपीट करिए। हाँ जी, इंडिया मार्ट का जो लेवल है वो अभी 4595 के ऊपर निकल जाने के बाद वी कैन बाई, और टारगेट विल बी अराउंड 4700, और उसके ऊपर जाने के बाद 5100 का लेवल आएगा, और स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 4400 का। और ये कितना टाइम फ्रेम के लिए देख रहे हैं, कैसे हैं? इट विल बी फॉर द शॉर्ट टर्म, मतलब 10 to 15 days। 10 to 15 days, ठीक है। ये है रहा है इंडिया मार्ट में, एक बढ़िया स्ट्रेटेजी, बढ़िया मौका, लेकिन क्या करना है, डिसिप्लिन जरूर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा बाजार, क्योंकि जिस तरीके से है थोड़ा कंसर्निंग भी हो सकता है, तो थोड़ा डिसिप्लिन का जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है।